हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि है कि मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ आजकल वीडियो बनाने के लिए, तो यार उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ वीडियो बनाने के लिए और कुछ न्यू प्लेसेस के लिए। तो एक्चुअली क्या हुआ कि फ्रेंड्स, रिसेंटली मेरे पैर में चोट लगी थी कल, उस वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो और अभी भी जो है मुझे चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से भी मैं गई नहीं। तो है, मैंने न्यू हेयर स्टाइल किया है, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप इस तरह की हेयर स्टाइल कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और अगर कब कहीं आप जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आप पे सूट करेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये हमारा कॉम्ब है, हम इसको साइड में रखते हैं। और हमने कैसे कैसे, एक आपको क्लेचर की ज़रूरत पड़ेगी, दो आपको क्लिप चाहिए। तो ये दो क्लिप्स की आपको यूज़ ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपके स्मॉल कट है तो भी अच्छा लगेगा, और अगर आपके लॉन्ग है तो भी अच्छा लगेगा। तो हम अपने हेयर को पहले पूरे वो कर लेते हैं अच्छे से। इस तरह से आपको सारा हेयर कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपकी जो मांग होती है बीच की, वो यू यहाँ से सीधा कर लिया, और उसके बाद से हम बीच की मांग निकालेंगे। कोई सी भी कॉम्ब अगर आप यूज़ करते हो तो कॉम्ब से अपनी मांग निकालिए इस तरह से। देखिए मैंने ज़्यादा नहीं निकाली, सिर्फ इतनी ही, क्योंकि हमें इतनी ही ज़रूरत है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में रखते हैं और अपने जो सारे बाल हैं, थोड़े से अगर आपके लॉन्ग हेयर है तो उनको थोड़ा सा आगे रख लीजिए और बाकी के पीछे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है आपको यहाँ से जो है इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से जो हेयर लेना है, और ये जो है इसको ऐसे कर देना है, फ्लैट कर देना है। उसके बाद आपको जो है राइट साइड का भी ऐसे ही करना है। उसके बाद आपको जो है ऐसे करके क्लेचर लगा लेना है, जो आपके पास क्लिप है ना फ्रेंड्स, वो आपको लगा लेनी है, अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो क्लिप भी लगा सकते हैं, क्लेचर है तो क्लेचर लगा लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया, और हमारे जो साइड के हेयर है हम उन्हें धीरे धीरे कॉम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी कॉम अच्छे से हो चुकी है। हमें करना ये है कि आपको यहाँ से इस तरह से जो हेयर लेनी है, इस तरह से एक साइड का,
फिर ये दूसरी साइड की लेनी है, फिर इसको ऐसे से मोड़ना है, और ऐसे मोड़ते हुए इसको फिर यहाँ पे हल्का हल्का पिच करना है, एकदम हल्का, और क्लिप लगा लेंगे स्मॉल सी, ये वो उसके बाद आपको इस राइट साइड का भी ऐसे ही करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा हेयर लेना है, उसके बाद से इसको राउंड राउंड जो कर वो कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको भी इसी तरह से जो है राउंड करते हैं, इसको भी इसी तरह से जो है क्लिप लगा लेनी है, तो फ्रेंड्स हाउ आई एम लुकिंग, तो आई होप कि आपको मेरा ये हेयर पसंद आया होगा, न्यू हेयर स्टाइल जो है आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आया होगा, कि अगर आप कभी यूज़ करते हैं तो ऐसे भी जो है हेयर स्टाइल कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजी होता है करना और बनाना, अगर आपके लॉन्ग हेयर है तो आप पे बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो ये देखिए तो फ्रेंड्स मेरा हेयर स्टाइल आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, बाय बाय।